सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सलवार के पोंचे, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताऊँगी। और अभी कमेंट भी आया था, मैम आप पोंचे के जो लहरिया डिज़ाइन होता है वो बताएं, तो आज मैं वो भी बता दूँगी। और फ्रेंड्स, एक बात और बोलनी है कि मेरा एक और चैनल है जो मैंने नया बना है स्पेशली बिगिनर्स के लिए, और मेरे उस चैनल का नाम है द नू टेलर्स। और उसमें अभी कुर्तियों की सीरीज चल रही है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप कुर्ती के बारे में बता रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सलवार का बॉटम। जो सलवार बॉटम मुझे रेडी चाहिए वो चाहिए 7.25 इंच, मतलब डबल से 7.25 इंच। तो मैंने उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, मतलब कि डबल से 9 इंच। तो ये पूरा खोल के 18 इंच है। और जो हमें अभी इसके लिए बुकरम लगेगा और जो कपड़ा लगेगा वो तकरीबन इससे 2 इंच ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो फोल्ड होके इस तरीके से आ जाता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई उस बॉटम से ज़्यादा है, और चौड़ाई इसकी मैंने 3 इंच ली है, और जिसके लिए मैंने ये बुकरम लिया है। ये जो है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि कितनी चौड़ाई है इसकी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 1.25 इंच है, और इसको भी, इस बुकरम को भी मैंने इतना ही लंबा काट लिया है इसके बराबर। और फ्रेंड्स, ये इस तरीके के रोल आते हैं जो स्पेशली पोंचों के लिए ही होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो चौड़ाई है ये 1.25 इंच की है, आपको 1.5 इंच का भी चौड़ा मिल जाएगा और 2 इंच की भी चौड़ाई वाले इस तरीके के रोल मिल जाएंगे। और ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, सिर्फ 20-25 रुपए का रोल आता है। अभी तो ये ख़त्म हो गया है, बहुत बड़ा रोल होता है, तो इस तरीके से मैं लेके रखती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर ये आपके पास नई भी है तो कोई बात नहीं, जो बुकरम होते हैं हम नेक वगैरह में भी बनाते हैं, तो आप उससे भी इस तरीके की पट्टी काट लें जितनी आपको चौड़ी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको इसके साथ अटैच कर लेती हूँ। ये जितना चौड़ा है उससे डबल मैंने कपड़ा लिया हुआ है, मतलब डबल से भी थोड़ा ज़्यादा। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ से फोल्ड एक बार और फिर यहाँ से फोल्ड, और इसके पूरी बीचों बीच हम पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी है सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की, तो जिसके भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने फोल्ड करके और सिलाई लगा ली है, और ये जो है हमारा प्लेन साइड है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारी सलवार है और जो बॉटम है नीचे यहाँ पोंचे लगाने हैं हमें, और ये सीधा साइड है। तो ये जो यहाँ पर जो आप इस तरीके से फोल्डिंग का जॉइंट देख रहे होंगे, ये हम इस तरीके से रखेंगे और ये सीधी साइड में 1/2 इंच हम इस वाले कपड़े को दबा देंगे नीचे इस तरीके से रख के, और इसके बिल्कुल किनारी पे हमें सिलाई लगानी है। चलिए लगा लेते हैं। इसको आपको अंदाजे से ध्यान में रखना है कि 1/2 इंच नीचे दब जाए इसके अंदर इस तरीके से, और बिल्कुल किनारी की सिलाई लगाएंगे पोंचे के ऊपर। जो ये पोंचा था ये मैंने इस वाले से ज़्यादा लिया था, तो इस तरीके से ये निकलना चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो इसके बराबर आ जाता है ये कपड़ा। तो अब हम इसको रॉन्ग साइड, उल्टी साइड फोल्ड करेंगे और बिल्कुल अब किनारी पे सिलाई लगा लेंगे इसको। इसके सल निकालते जाएं आप, जो भी सिलाई लगाएंगे अभी इस तरीके से सल निकालते जाएं। अब एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। तो
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस तरीके से महसूस करके यहाँ पर ही सीधी साइड ही सिलाई लगाऊंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपसे इस तरीके से नहीं लगती है तो आप क्या करें, आप देखकर सिलाई लगाएं इस तरीके से उल्टे साइड से यहाँ पर। तो चलिए लगा लेते हैं। अब इसके ये वाली जो सिलाई है और ये वाली जो सिलाई है इसके बिल्कुल बीचों बीच हम एक सिलाई लगाएंगे। तो आप यहाँ पर गैपिंग देख लें और यहाँ पे गैपिंग देख लें, एक बराबर होनी चाहिए जब भी बीचों बीच सिलाई लगेगी। तो फ्रेंड्स अब दो सिलाइयाँ हमें और लगानी है सीधी, एक इन दोनों सिलाइयों के बिल्कुल सेंटर में और एक इन दोनों सिलाइयों के बिल्कुल सेंटर में। तो फ्रेंड्स वैसे तो बिल्कुल सीधे ही सिलाई चल रही है आजकल पोंचे जो चल रहे हैं, बट मैं हल्का सा सिंपल सोबर सा डिज़ाइन भी इसमें बनाऊंगी। तो चलिए पहले सीधी सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है सिलाई की। और फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि बिगिनर्स को ये लाइंस भी सीधी नहीं लगती हैं, तो आप इस चीज़ की सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी से सुधार हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब ये मेरे पास चार बॉक्स आ गए हैं, 1 2 3 4। तो अब इन पर मैं जो लहरिया डिज़ाइन होता है वो करूँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है। तो मशीन चलती रहेगी और आपको हाथ को ऐसे 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 करना पड़ेगा, बिल्कुल हल्का हल्का, और इस लाइन से टच होकर सुई इस लाइन पर टच होगी, फिर इस लाइन पर टच होकर इस लाइन पर टच होगी, इस तरीके से होगा। तो ये इस तरीके से ये आप देख रहे होंगे लहर बन के आ रही है। तो इस तरीके से हमें जो ये तीन बॉक्स हैं इन पे भी इसी तरीके से कर लेंगे और फिर बिल्कुल रेडी है हमारा पोंचा। तो चलिए इनको भी बना लेते हैं। और फ्रेंड्स इस चीज़ की सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, जो रफ कपड़ा होता है उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ की। तो फ्रेंड्स ये पूरा पोंचा हमारा तैयार है और इस तरीके से ये डिज़ाइन आया है। तो फ्रेंड्स अब इसमें कुछ नहीं करना, बस साइड जॉइंट करके और पूरी सलवार कंप्लीट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।